इसमें विच इज मोर इलास्टिक, स्टील या रबर? आंसर स्टील है, रबर मत लिख के आना। और वो पूछेगा क्यों? पहला, जब कुछ भी समझ में ना आए और इलास्टिक मटेरियल के बारे में कुछ मेंशन करना हो तो एक चीज़ तो बोल ही सकते हो किसी वायर को लेके, उसका वाई बड़ा होगा, क्योंकि जितना वाई बड़ा होगा उतना वो इलास्टिक होगा। तो आप लिखना कि यंग्स मॉडुलस जो है वो स्टील का बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रबर, इसलिए ज़्यादा इलास्टिक है। पर तसल्ली सी नहीं हुई है कि ये क्या बात बनी, यंग मॉडुलस बड़ा है हमें क्या पता। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आप एटलीस्ट ये लिखना, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि जिस मटेरियल का वाई बड़ा होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि तुमने एक लैब के अंदर एक स्टील की वायर ली और एक रबर की वायर ली, दोनों वायर्स का के ऊपर फोर्स बराबर लगाई, देखो मुकाबला तो बराबर करना पड़ेगा, फोर्स बराबर लगाई, लेंथ दोनों की बराबर ली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम आइडेंटिकल, सारी सिचुएशन आइडेंटिकल है। जैसे तुमने कहा कि फोर्स ज़्यादा लगा, स्टील सह सकता है और रबर बैंड नहीं कर पाएगा, तो वाई का ये फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, एल रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, ना मैं इसे चेंज कर रहा हूँ ना इसे ना इसे, दोनों वायर्स में। तो यानी कि जो मेरा यंग्स मॉडुलस है वो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करता है डेल्टा एल पे। अब सोचो जब तुमने रबर बैंड को खींचा, डेल्टा एल रबर बैंड का बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा खींच जाएगी, और स्टील बहुत कम आने वाला है, तो स्टील का डेल्टा एल कम है बाय अप्लाइंग सेम फोर्स, बिल्कुल हल्का सा हिला, हल्का सा डेल्टा एल चेंज हुआ, जबकि रबर बैंड का काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो डेल्टा एल स्मॉल है स्टील का, तो यंग मॉडल स्टील का ज़्यादा है। तो इसलिए यंग मॉडल ज़्यादा है, वो ज़्यादा इलास्टिक है भाई, तभी तो इतनी मजबूत बिल्डिंग जो है वो स्टील से ही तो बनती हैं, रबर ये तो रबर से ना बना देते, रबर लगा दो बस, वहाँ मोटी मोटी रबड़ें लगा दो, नहीं चल पाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो फ्लेक्सिबल होना अलग चीज़ है और इलास्टिक होना अलग चीज़ है। तो बहुत फोर्स लगाने पर डेल्टा एल ऐसा कि बोला कि कम है, तो इसके अंदर डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो व्हेन स्टील एंड इलास्टिक अप्लाई टू द सेम फोर्स, तो स्टील का वाई बड़ा आता है रबर बैंड से, स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। तो यंग्स मॉडुलस को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि यंग्स मॉडुलस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर लोड। हम ऐसा नहीं बोलते, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी में, एक रेजिस्टेंस है। अब अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस बड़ी है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपोज करेगा, बिल्कुल वैसे ही अगर किसी भी मटेरियल का वाई ज़्यादा है और जब आप उस वायर को क्या करते हो, रिकवर करने की कोशिश करते हो, क्योंकि रिकवर करना क्यों, जब आपने छोड़ दिया तो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, और रिकवरी कब, जब डीफॉर्मेशन, डीफॉर्मेशन का मतलब जब आपने फोर्स लगाई और बॉडी की शेप को ख़राब किया, डिफॉर्म किया, तो डिफॉर्मेशन के बाद जब रिकवरी मोड आता है उसका, तो उस केस में वो कितना अपोज करता है और कितना सपोर्ट करता है। ज़्यादा इलास्टिक मटीरियल बहुत बढ़िया रिकवर हो जाते हैं और जो कम इलास्टिक हैं वो ठीक तरह रिकवर नहीं हो पाते। ये फैक्टर कौन कंसिडर करता है, यंग्स मॉडुलस। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर लोड है। स्टिफ मटीरियल हैज़ अ हाई यंग्स मॉडुलस, स्टील बहुत स्टिफ है और उसका यंग्स मॉडुलस बहुत हाई है, एंड चेंजेस इट्स शेप ओनली स्लाइटली अंडर इलास्टिक लोड्स। तो जब लोड लगता है अपनी शेप को चेंज करता है। डायमंड भी काफ़ी इलास्टिक मटीरियल माना जाता है। फ्लेक्सिबल मटीरियल has low Young's modulus and changes its shape considerably, for example rubber, हल्की सी force लगाई और उसने अपनी फटाफट shape change कर दी। तो ऐसे material elastic नहीं है, flexible हैं लेकिन इनका y कमज़ोर है। Steel stiff है लेकिन इसका y high है, ज़्यादा elastic है। तो ये सारे factors आपने note करने हैं और paper में आएगा, ये आपने लिख के आना है।